अच्छा जी ये है oh काम चोर इंसान से मिलवाती हूँ। Assalamualaikum everyone, this is Mithe Meena Aziz and you are watching my YouTube channel Kitchen with Meena। अच्छा जी मैं ज़रा आहिस्ता आहिस्ता बात कर रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त हो चुका है सहरी का टाइम। बहुत से लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप जो हैं वो अपने सहरी की रूटीन शेयर करें, मुझे फेसबुक पे आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे। मैं खैर सुबह सुबह सहरी के टाइम क्या झूठ बोलूँ, किसी ने कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपके साथ अपनी सहरी की रूटीन जो है वो शेयर करूँ। सुभान अल्लाह जी, रमज़ान मुबारक की ये बरकतें हैं कि झूठ बोलते बोलते इंसान जो है वो माशाल्लाह से सच बोलना स्टार्ट कर देता है। ये बातें बातें तो मेरी आपकी चलती रहेंगी इसी तरह से। अभी स्टार्ट करते हैं ज़बरदस्त सा व्लॉग मेरी सहरी की रूटीन। अच्छा जी मैंने आप देख सकते हैं वो पीछे से दरवाज़ा जो ग्रिल वाला है उसको कुंडी लगा दिया ताकि मुझे बहुत डर लगता है जिन्नों चढ़ेलों से, तो ताकि कोई चढ़ेल या जिन जो है वो अंदर ना आ सके, इसलिए कुंडी शुंडी लगा लिया है। सोफों के नीचे वीचे मैंने चेक कर लिया जैसा कि बचपन में हम चेक करते थे। बहुत डर लगता है। अच्छा जी किचन में आने का सबसे पहला जो उसूल है वो मेरा ये है, ठीक है जी। मैं चेक करती हूँ कोई छिपकली वगैरह तो नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। माशाल्लाह मुबारक हो, कोई छिपकली नहीं है। सो बबल सीन ऐसा कि मैं बनाने जा रही हूँ पराठे। थक गए। अब मैंने धो लिए हैं अच्छी तरह से, तो चलिए जब माशाल्लाह से आटा बड़ा नरम है, मेरे पास एक बहाना आ गया है, अगर मेरी रोटी जो है गोल ना बनी तो मैंने यही कहना है आटा नरम है अच्छा जी आप ये चेक करें, गोल रोटी माशाल्लाह सुभान अल्लाह। यार मैं देसी घी जैसे कि आप देख सकते हैं जी, आप देख सकते हैं ठीक है जी, रोटी को बड़ी जबरदस्त तरीके से लग चुका है देसी घी। मैंने देसी घी इसमें डाला है मतलब इसमें, अब इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लेते हैं। बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ये मेल्ट हो चुका है और ये गर्म है, गर्म है ठीक है। अच्छा मैंने नोटिस किया, मैं एक बात जो है वो दो दफ़ा करती हूँ अच्छा खैर इस बात की चलिए, ये इसके ऊपर मेल्टेड जो देसी घी है वो इसमें लगा दिया आपने। अच्छा जी अब पता नहीं, अच्छा जी अब पता नहीं
अच्छा आज एक सेकंड, मेरी रोटी ना जल जाए एक सेकंड। मैं आपको आज एक मतलब काम चोर इंसान से मिलवाती हूँ जी। वो है बिल्ला, नहीं नहीं कोई हमारे जानने वाला नहीं, ढोल वाला जो जगाने आते हैं। और ट्रस्ट मी पीपल, उसने एक आधे सेकंड के लिए कहा बिल्ला टोल, बस बात ही दूसरी वाली गली में चले गए हैं। और तो क्यों हम लोग इतनी बेईमानी करते हैं, मुझे बताएं क्यों हम लोग ईमानदार नहीं है, क्यों क्यों? माशाल्लाह से रोटियां ताज़ा रहे। अच्छा जब मैं बनाने जा रही हूँ अपनी बहन के लिए माशाल्लाह से, तो ये जैसे मर्जी बन जाए। इसमें कौन सी, तो ये देखिए आप, लुक एट दिस, किस कदर नरम ये आटा है जी। ये आटा जो है मेरी बड़ी बहन ने गूंदा है, आप उससे हिसाब लगा रहे हो कितनी फोहड़ है, फोहड़ फोहड़ है। यस नॉट फोहड़। ओह माय गॉड, आई एम नॉट लुकिंग गोरी, व्हाई? हाँ सर, चलिए आपको थोड़ी सी टिप्स भी दे देती हूँ। इस तरह से रोटी को घुमाने से ये है कि रोटी कुछ नहीं होता, बस घूमती है। पढ़ो दुरूद पढ़ो मोमिनों करीने से, हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। सोई बातों में मैं लग गई। मैंने इसकी, माय गॉड, इसकी रोटी पे मैंने ऑयल लगाना होता है, कुकिंग ऑयल, जस्ट अ मिनट। थैंक गॉड मुझे याद आ गया, वरना ये बड़ी चलाक है। अच्छा जी अब मैं अपनी रोटी बनाऊंगी माशाल्लाह से। जब सहरी ख़त्म होने में रह जाएंगे तकरीबन 15 मिनट, ताज़ी ताज़ी नरम नरम। अच्छा जी ये है, माय गॉड, ये तहज्जुद की अज़ान है फजर की। अच्छा जी इसमें है जनाब आलू, शिमला मिर्च का सालन। इसको ऐसा है कि अंदर रूम से अलार्म्स की आवाज़ें आना शुरू हो गई, मुख्तलिफ आवाज़ें हैं, कभी किसी का अलार्म बज रहा है, कभी किसी का बज रहा है। तो अब ये कुछ ही देर में ये घर के जो अफराद हैं माशाल्लाह से वो आ जाएंगे। अच्छा मेरे पे किसी को ट्रस्ट नहीं है इसलिए। ज़बरदस्त तरीके से स्क्रैम्बल्ड एग इज ऑलमोस्ट डन। अच्छा जी पराठे पक चुके हैं, अंडा बन चुके हैं, अब बनने जा रही है लस्सी जो कि बनाएगी मेरी बहन, और साथ में चाय जो कि मिला रही है मेरी बहन माशाल्लाह से, जो कि आ चुकी है, जो कि अभी अपनी छोटी छोटी आंखें गोल गोल खोलने की कोशिश कर रही है और उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा। माशाल्लाह से करने जा रही हूँ सहरी प्रॉपर, मतलब प्रॉपर क्या, बड़ी बेसिक सी मेरी सहरी है, जैसे कि आपने देखा अंडा पराठा और साथ में लस्सी, और मेरी भी चाय मैं पी लूँ सारी की सारी या अजान हो जाए, ये तो फिर अजान पे डिपेंड करता है। और होपफुली आपको ये सिंपल सा हर घर घर की कहानी ब्लॉग जो है पसंद आया होगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।